स्वागत है एक बार फिर दीवान ट्यूटर पे, जहां क्वेश्चनों का रट्टा नहीं लगवाया जाता बल्कि अच्छी तरीके से समझाया जाता है और 100% समझाया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमने क्या किए थे, 5 से जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, और जो 1 से 5 है वो एक वीडियो में किए थे, यानी कि जो 9.2 है हमने 3 पार्ट में किया, जो लास्ट वाला पार्ट है वो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है और बाकी की जो बातें हैं या फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और क्वेश्चन आपको देखने हैं 2 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसका अलग वीडियो बनाया। ठीक है, क्वेश्चन है 11वां, ज्ञात करना है कि रेखा है क्या 3x + y = 9 और बिंदु दे दिया आपको 1, 3, 2 और 7 को किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आपको ज्ञात क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना है, m1 / m2 ज्ञात करना है। आई बात मेरी समझ में, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सॉरी, आगे देखना है, यहाँ पे पहले ज्ञात करनी है अक्ष की वैल्यू, ज्ञात करनी है सेम m1 / m2 / x1 / m1 + m2। इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम, वो भी डायग्राम बनेगा, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, 1 और 3 और क्या हो जाएगा 2 और 7। बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई दिक्कत वाली जल्दी वाली बात नहीं है। देखो ऐसी मेरी तरह मत करिए, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी ऐसी सी है, थोड़ा इस राइटिंग पे ध्यान मत देना और चेहरे पे कभी मत जाना किसी व्यक्ति के। ठीक है, चेहरे के पीछे आपको पता है क्या छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यहां से बोल रहा है कि उसको m1 / n2 विभाजित करा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये λ/1 में विभाजित हो रहा है, और यहां से इस बिंदु के जो निर्देशांक है, मैं इस बिंदु को बोल रहा हूँ a और इसके निर्देशांक है x और y। आई बात मेरी समझ में, थोड़ा सा स्पीडली ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि और भी बच्चे हैं तो बोलते हैं सर आप धीरे बहुत पढ़ाते हो, थोड़ा सा स्पीड लिया, थोड़ा सा स्पीड लिया है मैंने, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और स्पीड में भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और यहां तक ये है डायग्राम समझ में आया, और अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अक्ष का मान अक्षी है, और एम वन का मान है आपका लेमडा गुणा अक्ष टू की वैल्यू। देखो ये अक्ष वन है और ये वाई वन है, यहां से ये अक्ष टू है और ये वाई टू है, बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान दे लीजिए आप, लेमडा और अक्ष टू की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, एम टू की वैल्यू 1 है, अक्ष वन की वैल्यू है 1 है, और बट्टे में एम वन प्लस एम टू लेमडा प्लस वन। यहां तक समझ में आई होगी मेरी बात, बिल्कुल समझ में आई है। यहां से अक्ष की वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, ये कितने हो गया 2 लेमडा, और प्लस में 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया, और बट्टे में कितना है लेमडा प्लस वन। अक्ष की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 लेमडा + 1 बट्टे लेमडा प्लस वन। यहां से सेम वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वाई की फॉर्मूला क्या होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टे एम वन प्लस एम टू। देखो एम वन की वैल्यू लेमडा गुणा वाई टू की वैल्यू है 7, और प्लस m2 की वैल्यू 1 है गुणा y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू मेरी है 3, और बट्टे में m1 + m2 यानी λ + 1। यहां से कितने हो गए 7 तो लेमडा 1 हो गए और 3 1 हो गए, और बट्टे में कितने आ गए λ + 1। अक्ष और y का मान आ गया, क्या करना है, ये जो रेखा दे रखी है ना, रेखा की बात कर रहा हूँ, रेखा कुसी और उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे रेखा खंड की बात हो रही है, रेखा की बात हो रही है, 3x + y और बराबर 9। 3x + y, यहाँ पे x का मान रखना है, यहाँ पे y का मान रखना है, और बराबर किसके करना है 9 के करना है। देखो यहाँ पे मैं मान रखता हूँ, देखो यहीं पे रख देता हूँ, ये x की वैल्यू थी ना मेरी, ये x की वैल्यू थी, और x के पहले गुणा क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और प्लस y की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी 7 λ + 3 और बट्टे λ + 1, यहाँ पे काम हो गया और बराबर 9। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है तो, यहां तक कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से नहीं है। ये 3 है ना, अगली स्टेप में इस 3 को अंदर गुणा कर दो, कितना हो गया 3 × 6 λ, और प्लस ये 3 इससे गुणा हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा λ + 1। प्लस कितना है 7λ, और प्लस के 3 और बट्टे में λ + 1 और बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका काम खत्म हुआ। क्या दोनों के एलसीएम मेरे समान आ रहे हैं, दोनों के समान आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों का एलसीएम आ गया समान, और प्लस में आप ऊपर आ जाएगा 6λ + 3 + 7λ + 3 और बराबर कितना हो गया 9। एक स्टेप और खा जाता हूं इसकी, देखो 6λ और 7λ, 6 6 12 13 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 13λ, प्लस ये कितने हैं 3 और 3 कितने हो गए 6, और बराबर ये इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9λ + 9, ये इससे 7 गुणा हो गया तो 9λ + 9।
यहां तक समझ में आ गया, मुझे ज्ञात क्या करना था, लेमडा की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, यहां पे देखना है जो लेमडा वाले हैं उनको एक तरफ ले आओ, 13 लेमडा और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया 9 लेमडा, और ये 9 बच गए, ये 6 इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। यहां पे देखना है कितने बच गए, 4 लेमडा बच गए मेरे अकॉर्डिंग, तो वो भी प्लस के, कितने बच गए 4 लेमडा, और यहां पे कितने आ गया 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है लेमडा की वैल्यू, इधर 3 है और ये 4 इसके गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि जो लेमडा अनुपात 1 है ये कितना आ जाएगा 3:4। ये जो बिंदु है इनको ये कितने अनुपात में विभाजित करता है, 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन और 12वां नंबर क्वेश्चन है, वह विष अनुपात ज्ञात करो जो बिंदु -3 और P है, और बिंदु दे रखे -5 और -4 और -2 और +3 को अंतर विभाजित करता है, और P का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि विभाजन पूछ रहा है कैसे हुआ, और यहाँ पे पूछ रहा है पी का मान पूछ रहा है, यानी कि ऐसे होता है ना बीच में पॉइंट होता है पी ओप अक्ष वाई, अक्ष वाई अक्ष का मान -3 है और इसका मान पी है। ठीक है, और एक छोटी सी बात कहूं कि अगर हमारे पास ये पूरा वैल्यू भी दी हुई होती तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते थे, M1 अनुपात M2 की वैल्यू भी नहीं दी तो ये क्वेश्चन हम कैसे करें। अगला कोई ना कोई क्वेश्चन बनाता है या फिर कुछ भी काम करता है तो यहाँ पे क्लू होता है हमारे पास में, यहाँ पे क्लू ये है कि हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, M1 अनुपात M2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से जो P है यानी कि Y की वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे, कौन से अंतर विभाजन वाले फॉर्मूले से, और Y का मान निकालेंगे। सबसे पहले मान निकाल रहा हूं मैं अक्ष का, अक्ष बराबर M1 अक्ष 2 और प्लस M2 अक्ष 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अक्ष का मान है वो मेरा कितना है -3, और रही बात पहले एक डायग्राम बना लेता हूं मैं, ये है -3 और ये P, और ये है आपका -5 और -4, ये है -2 और -3। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है वो इसको लेमडा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, लेमडा अनुपात 1 में है, और फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हो दीवान ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाया जाता, 100% आपके दिमाग में उतारा जाता है, वो भी कैसे, समझा कर उतारा जाता है। ठीक है, यहां से जो अक्ष की वैल्यू है वो -3 आ गई, और उसके बाद में M1 का मान है लेमडा गुणा अक्ष 2 का मान है मेरा -2 और प्लस M2 की वैल्यू है 1 गुणा अक्ष 1 की वैल्यू है मेरी -5 और बट्टे में क्या है M1 प्लस M2 लेमडा प्लस 1। यहां तक आया समझ में, इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा लिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -3 लेमडा और -3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे क्या बच गया, -2 लेमडा और -5, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आओ, इसको मैं इधर लेके आऊंगा -3 लेमडा +2 लेमडा बराबर -5, ये इधर गया प्लस में हो गया, इधर बच गया -2 लेमडा, कितना बच गया सॉरी -1 लेमडा, 3 लेमडा में से 2 लेमडा गए -1 लेमडा, इधर बच गया -2। देखो -- से कैंसिल आउट हो गया, जो लेमडा की वैल्यू है वो मेरी आ गई 2, यानी कि जो ये बिंदु है उसको 2:1 में कौन सा विभाजन कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, और यहां से हम ज्ञात करेंगे इस P का मान, P का मान यानी Y का मान, यहाँ पे ऐसे ही तो होता है अक्ष और Y। देखो Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर हमें P का मान ज्ञात करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। आया यहां तक समझ में? या तो Y बोल दो या फिर P बोल दो, क्योंकि P अगले ने दिया है, M1 की वैल्यू मेरी 2 है गुणा Y2 की वैल्यू मेरी कितनी है 3 है प्लस M2 की वैल्यू 1 है और जो Y1 है मेरा -4 है बटे में M1 प्लस M2 2 प्लस 1। आया यहां तक समझ में? आ गया समझ में बिल्कुल। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 और ये -4 और बट्टे में कितना 3 है, 6 में से -4 और बच गए आपके 2 और बट्टे में 3, यानी कि P का मान बोल दो या फिर Y का मान बोलो वो मेरा कितना आता है निकल के
2/3। क्या मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले हमने क्या किया कि लेमडा अनुपात 1 मान के हमने जो लेमडा अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, जो बिंदु था -3P यानी P या फिर Y बोल दूं, उसका हमने मान ज्ञात किया। चलो ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। 9.2 कंप्लीट हो गया और 9.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप जैसे शेयर करते हो तो मुझे बड़ा फायदा मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जैसे जैसे आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। ठीक है, अगर आपने एक बार छोड़ दी पढ़ाई तो इसका मतलब छोड़ ही देना, बाद में इसके पीछे मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद में ये हाथ आने वाली नहीं है। एक बार छूट गई ना तो उसके बाद छूटी गई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? ये और सारी बातें हम बहुत अच्छी तरीके से हम वीडियो के अंदर भी करते हैं और वैसे भी बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और आप भी आ जाए करो, आप ही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कमेंट जरूर करना, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।